हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कोई भी भर्ती आती है, कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार से आज हरियाणा में एक और जिले के अंदर सीधी भर्ती आई है कृषि विभाग के अंदर। अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है, वो भी बिल्कुल आराम से लग सकती है। ऑफिस वर्क रहने वाला है, बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है कृषि विभाग के अंदर। डायरेक्ट आपका बिना पेपर दिए सिलेक्शन होगा। अगर हरियाणा से कोई भी भाई और बहन इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं और अपना जाके डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, कृषि विभाग के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है। काफी टाइम के बाद कृषि विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, बिजली विभाग हो गया, हरियाणा रोडवेज हो गया, इन सभी डिपार्टमेंटों के अंदर नौकरियां आने लगी है। अब कृषि विभाग का नंबर आ चुका है। कृषि विभाग में कहां कहां पर जॉब आई एक बार आपको दिखाएंगे, बताएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। अगर आप बार बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हो और फिर आपको सिलेक्शन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, आपने कौन कौन से फॉर्म भर रखे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में और आपको अभी तक कौन से फॉर्म का अपडेट नहीं मिल पा रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और कौन से भर्ती के आपको अपडेट चाहिए, क्या नोटिफिकेशन चल रहा है, इस प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका इशू होगा, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले हर अपडेट आपको इसी प्रकार से मिलेंगे और हर जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। अगर कोई टेलीग्राम पर भी मैसेज करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कोई भी अपडेट आएगा तो सीधी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक बार आइए, हरियाणा के अंदर कौन से जिले में कृषि विभाग में भर्ती आई और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा, इस प्रकार के विषय में आपको पूरी जानकारी देते हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये अपडेट आप सभी के सामने हम लेकर आ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर जो फरीदाबाद के अंदर ये जॉब आई है, हरियाणा का एक जिला रहने वाला है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर कोई भी लगना चाह रहा है, कोई भी जॉब करना चाहता है तो बिल्कुल आराम से लग सकता है। जिसका नोटिफिकेशन डेट क्या था, 29 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन के लिए एंट्री होगा, ना कोई एग्जाम होने वाला, नहीं किसी प्रकार का कोई भी फॉर्म आपको फिलअप करना है, डायरेक्ट जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 11 सितंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू प्लेस आपका क्या है, रीजनल सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फरीदाबाद हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको 11 सितंबर को जितने भी भाई और बहन पहुंच सकते हैं सभी पहुंचिए और अपना जाके सिलेक्शन वहां पर पा सकते हैं। एप्लीकेशन कोई भी आपका 0 रुपए लगने वाला है, कहीं पर भी आपको कोई भी पैसा पे करने का जरूरत नहीं है, सबके लिए 0 रुपए रहने वाला है। आपका एज क्या होना चाहिए, 18 से लेकर 42 साल तक के जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और के अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। 18 से 42 साल तक के जो भी आपके ज्यादा एज वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से छूट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा और वहां से आराम से आप देख भी लेना। टोटल पोस्ट इसमें आ रखी है 5 पोस्ट है। अगर मेरी बहन किसी को भी जॉब्स की जरूरत है, बिल्कुल आराम से अपनी नौकरी पा सकती है। उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन मांग रखी है, ज्यादातर बहनों के लिए क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। और 5 पोस्ट आ रखी है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, एक बार देखिए। केमिस्ट्री से जिसने एमएससी डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, अगर मेरी बहन कोई भी एमएससी वगैरह डिग्री रखी है तो बिल्कुल आराम से एक तो केमिस्ट्री की पोस्ट आ रखी है। दूसरी पोस्ट रहती है आपकी एंटोमोलॉजी, एमएससी मांग रखा है डिग्री, वो भी आपको एंटोमोलॉजी से आपने एमएससी कर रखी है। प्लांट पैथोलॉजी से अगर आपने एमएससी कर रखी है, वीड साइंस एमएससी एग्रीकल्चर से, अगर किसी भी भाई और बहन ने एमएससी कर रखी है, मास्टर डिग्री आपके पास में है, तो बिल्कुल आराम से आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जाके अपना इंटरव्यू दे सकती है। मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब आ रखी है। अगर मेरी बहन किसी को भी जॉब चाहिए, बिल्कुल आराम से इस प्रकार से आपको बताया गया है, उस प्रकार से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, वहां पर 11 सितंबर को पहुंच के अपना इंटरव्यू दीजिए। और कुछ भी आपको डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना, बिल्कुल आराम से भेज देगा के कमेंट करके पूछना, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमेशा आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में बताएंगे और हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एमएससी वाले जितने भी भाई और बहन है, सभी जाके अपना इंटरव्यू दीजिए। अप्लाई के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट जाके आपको इंटरव्यू
देना पड़ेगा। इंटरव्यू का जो शेड्यूल रहने वाला है, सुबह आपको 10 बजे वहां पर पहुंच जाना है, रीजनल सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फरीदाबाद हरियाणा, इस एड्रेस पर आपको सभी को पहुंचना पड़ेगा। 11 तारीख को आपको सुबह 10 बजे वहां पर पहुंच के और डायरेक्ट अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हैं। सैलरी आपको सबकी वेरियस पोस्टों के हिसाब से जो सैलरी मिलती है, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग सैलरी है, वो आपको दे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंट्री होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी वहां पर पहुंच सकता है पूरे हरियाणा से, सभी प्रदेशवासियों के लिए नौकरी है, केवल फरीदाबाद वालों के लिए नहीं है, पूरे हरियाणा के स्टूडेंटों के लिए नौकरी है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचिए, डायरेक्ट अपना इंटरव्यू दीजिए। और कोई भी डाउट, आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरी बहनों के लिए आंगनबाड़ी विभाग के जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको बताएंगे, और आंगनबाड़ी विभाग के काफी जिलों के भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी पूरी जानकारी दूंगा। आंगनबाड़ी विभाग की जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी टाइप से जो भी अपडेट्स आते रहेंगे समय समय पर जो सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। और जो भी आपके प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके डाउट होंगे, बिल्कुल आराम से आप बताइए और उनका समाधान करके आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो भाई और बहनों, आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हमेशा इसी टाइप से हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।